हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीआर वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे गौवंश की नस्ल के बारे में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को माता का दर्जा दिया है। प्राचीन काल से हमारे किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते आ रहे हैं। हिंदू धार्मिक दृष्टि से गाय पवित्र मानी जाती है। गाय से दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर आरोग्य एवं ईश्वरीय वरदान है। आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला, दुधारू नस्ल यानी कि मिल्च पर्पसेस ब्रीड। दूसरा, बोझ ढोने वाली नस्ल यानी कि ड्रॉट पर्पसेस ब्रीड। तीसरा, दुधारू एवं बोझ ढोने वाली नस्ल यानी कि ड्यूअल पर्पसेस ब्रीड। गिर गाय, यह गौ नस्ल गुजरात के दक्षिण काठियावाड़ के गिर के जंगलों में पाई जाती है। इसे भदावरी, देसन, गुजराती, सोठी, काठियावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गिर गाय के सींग अजीब तरह से घुमावदार होते हैं, जो आधा चांद का रूप देते हैं। इसकी दूध की पैदावार 1200 से 1800 लीटर होती है। इस गाय को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पहचाना जाता है। साहिवाल गाय, साहिवाल की उत्पत्ति अविभाजित भारत के मोंटगोमरी क्षेत्र अब के पाकिस्तान में हुई थी। इस नस्ल को लैम्बी बार, तेली, मोंटगोमरी और मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। साहिवाल देश की सबसे अच्छी देसी डेयरी नस्ल है। साहिवाल की औसत दूध उपज 1400 से 2500 लीटर है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे भारत के कई हिस्सों में पाया जा सकता है। रेड सिंधी गाय, रेड सिंधी ज्यादातर पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद जिले में पाए जाते हैं। इसे सिंधी और लाल कराची भी कहा जाता है। इस नस्ल का शरीर का रंग मूल रूप से गहरे लाल रंग की रोशनी और सफेद रंग की पट्टियों से भिन्न होता है। इसकी दूध की पैदावार 1100 से 2600 लीटर तक होती है। रेड सिंधी का व्यापक रूप से क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। राठी गाय, राठी एक अन्य दुधारू पशु है जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल साहिवाल रक्त के प्रसार के साथ साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर और धन्नी नस्लों के समामेलन से विकसित हुई है। यह कुशल और अच्छे दूध देने वाले होते हैं। दुग्ध उत्पाद की उपज 1000 से 2800 किलोग्राम तक होती है। ओंगोल गाय, यह गौ नस्ल आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ओंगोल तालुके की है। वे अच्छी तरह से विकसित कूबड़ के साथ बड़े मांसल मवेशी हैं। ओंगोल भारी मसौदा कार्य के लिए उपयुक्त है। उन्हें नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है और उनकी औसत दूध की उपज 1000 किलोग्राम तक होती है। कांकरेज गाय, यह गौ नस्ल कच्छ, गुजरात और पड़ोसी राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्व रण से उत्पन्न हुई थी। इसका रंग सिल्वर ग्रे से लेकर आयरन ग्रे, स्टील ब्लैक तक भिन्न होता है। कांकरेज काफी लोकप्रिय है क्योंकि यह तेज एवं शक्तिशाली होती है। इसका उपयोग जुताई और खेती के लिए किया जाता है। गाय भी अच्छे दूध देने वाली होती हैं और प्रति लैक्टेशन में लगभग 1400 किलोग्राम उपज देती हैं। थारपारकर गाय, यह नस्ल अविभाजित भारत के थारपारकर जिले में उत्पन्न हुई और राजस्थान में भी पाई जाती है। इसे ग्रे सिंधी, सफेद सिंधी और थारी के रूप में भी जाना जाता है। थारपारकर मध्यम आकार के गौ नस्ल हैं, जिनमें गीत के आकार के सींग हैं। उनके शरीर का रंग सफेद हल्का भूरा है। बैल जुताई और ढलाई के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा इसमें 1800 से 2600 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन होता है। हरियाणा गाय, हरियाणा नस्ल की उत्पत्ति हरियाणा के रोहतक, जींद, हिसार और गुड़गांव जिलों से हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। बैलों को शक्तिशाली काम करने वाला माना जाता है। हरियाणा नस्ल प्रति दुग्ध उत्पादन में 600-800 किलोग्राम दूध देने वाले होते हैं। खिलौर गाय, खिलौर नस्ल महाराष्ट्र के सतारा, सांगली क्षेत्रों और कर्नाटक के कुछ जिलों के मूल निवासी है। गायों की नस्ल बहुत लोकप्रिय है और राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मैसूर से गौ नस्लों की हल्लीकार नस्ल से उत्पन्न होती है। नागौरी गाय, राजस्थान के नागौरी नस्ल नागौर जिले में उत्पन्न होते हैं और कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। नागौरी गोजातिया बैल राजस्थान में गौ नस्ल की अन्य प्रजातियों से बड़े हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।